अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया व्लॉग। चलिए आज हम सीखते हैं पनीर पाव भाजी कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिए हैं आधा किलो गोभी, 100 ग्राम मटर, 8 से 10 आलू मीडियम साइज़ के और आधा किलो सीताफल। फिर इन सब चीज़ों को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे और 3 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। चलिए अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए पनीर भाजी बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 शिमला मिर्च लिए मीडियम साइज़ के और इसको बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं अपने बॉइल्ड वेजिटेबल्स और 3 चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा किलो पनीर, 4 से 5 टमाटर की प्यूरी और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1.5 चम्मच तेल ले लिया है और उसमें हमने लहसुन और प्याज को डाल के थोड़ी देर भून लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और शिमला मिर्च और हमारे सारे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे और चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से पक चुका है, शिमला मिर्च हमारी गल चुकी है। अब इसमें हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे।
मैश करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अब इसमें हम एक बड़ा कप भर के पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम पनीर डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला लगे ना नीचे। हाँ दोस्तों, इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी भाजी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। चलिए दोस्तों, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, अब हम इसका मज़ा लेते हैं खा के। और इसमें हम ऊपर से डालेंगे बटर। आप चाहे तो मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो क्यूब्स करके भी डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.